नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बता दें आपको कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की। बता दें आपको कि जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा किया है। तो पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा किया, दुबई के लिए तस्करी की जा रही 12 युवतियों को डिटेन किया है। पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट से युवतियों को डिटेन किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीसीपी ईस्ट राजीव पचार ने यह खुलासा किया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही 12 लड़कियों को डिटेन किया गया है। नेपाल दूतावास की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। तो काम का झांसा देकर तस्करी के लिए भेजा जा रहा था दुबई इन लड़कियों को, जिनको डिटेन किया गया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो काम का झांसा लेकर इन लड़कियों की तस्करी की जा रही थी। जयपुर से इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रही है। पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा किया है, 12 लड़कियों को डिटेन किया गया है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जा रही थी ये 12 लड़कियां, जिनको डिटेन किया गया है। नेपाल दूतावास की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। काम का झांसा देकर तस्करी के लिए भेजा जा रहा था इन तमाम लड़कियों को दुबई। पूरे मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 12 लड़कियों को डिटेन किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यह मामला है, इसका खुलासा पुलिस ने किया और नेपाल दूतावास की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। तो नेपाल दूतावास की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई, जिसको अंजाम दिया गया। काम का झांसा देकर तस्करी के लिए दुबई भेजा जा रहा था इन लड़कियों को और पुलिस ने इन लड़कियों को डिटेन कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी कर रही है। तो पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा किया, 12 लड़कियों को डिटेन किया। इन सभी लड़कियों को काम के झांसे देकर दुबई ले जाया जा रहा था। नेपाल दूतावास की सूचना पर यह कार्रवाई पुलिस ने की है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले को लेकर यह बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की और इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 12 लड़कियों को डिटेन कर लिया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि तमाम लड़कियों को दुबई ले जाया जा रहा था और नेपाल दूतावास की सूचना पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। जिन लड़कियों को काम का झांसा देकर दुबई ले जाया जा रहा था, लेकिन साथ ही इनको डिटेन कर लिया गया। नेपाल दूतावास की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी लड़कियों को डिटेन कर लिया है। तो पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा करते हुए इस मामले का भंडाफोड़ किया। दुबई के लिए तस्करी की जा रही 12 युवतियों को पुलिस ने डिटेन किया है। मोहम्मद रजाउल्ला खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। मोहम्मद, आपसे जानना चाहूंगी इस मामले को लेकर, क्योंकि नेपाल दूतावास की सूचना पर यह कार्रवाई पुलिस ने की है, 12 लड़कियों को डिटेन किया गया है। कहां से इन लड़कियों को डिटेन किया गया, कितने लोग वहां पर आरोपी जो थे वो मौजूद थे, किस तरह से इन लड़कियों को कैद किया गया था, दुबई ले जाया जा रहा था काम का झांसा लेकर, पूरे मामले को लेकर जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जयपुर से तकरीबन 12 नेपाली लड़कियों को दुबई के रास्ते, जयपुर के रास्ते जो है सप्लाई किया जाना था नेपाल के अंदर तस्करी के लिए, लेकिन जिस तरह से बड़ा मामला ये सामने आया और नेपाल दूतावास के जो निर्देश के ऊपर जयपुर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस पूरे मामले में 12 तस्कर जो होने वाली लड़कियां थी उनको फिलहाल रोक लिया गया है। ये कहा जा सकता है कि जो पूरे मामले के अंदर जितनी तारीफ राजस्थान पुलिस की जाए, जितनी तारीफ जो जयपुर तुर के जो एसपी है, जो डीसीपी है राजीव पचार, उनकी की जाए, या बीयू का है जो दिखपाल सिंह है, जिनको जैसे ही सूचना मिली उनकी टीम फोरम उन्होंने एक्टिव किया और एक्टिव करने के बाद इस पूरे मामले के अंदर जो है पूरा खुलासा कर दिया पुलिस ने। जी बताइए, ये जो 12 की 12 लड़कियां थी ये कहाँ से थी, नेपाल से थी क्या या फिर भारत से भी थी? बिल्कुल, देखिए, ये जो 12 लड़कियां हैं, 12 लड़कियां नेपाल की रहने वाली बताई जा रही है। जयपुर के रास्ते इन महिलाओं को जो है दुबई तस्करी किया जा रहा था, लेकिन तस्कर होने से पहले ही इन महिलाओं को हिरासत में पुलिस ने ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करती हुई नजर आ रही है। इनको किस रास्ते से दुबई भेजा जाता? क्योंकि देखिए, जयपुर नेपाल से इनको दिल्ली लाया गया, दिल्ली के बाद जयपुर के रास्ते होते हुए इन 12 महिलाओं को जो है दुबई सप्लाई करना, सप्लाई
किया जाना था, लेकिन सप्लाई करने से पहले ही जो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और इन तमाम 12 नेपाली महिलाओं को जो है पुलिस ने दस्तियाब कर लिया, यानी ये कहा जा सकता है कि जयपुर पुलिस की वजह से 12 महिलाओं की जो जिंदगी है वो बच गई है, दोबारा से इन महिलाओं को जिंदगी मिली। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो बड़ा मामला हमने देखे हैं कि अलग अलग देशों के अंदर महिलाओं को सप्लाई किया जाता है, तो जयपुर पुलिस ने आज पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी हमने देखा लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। जिन महिलाओं पर भी कुछ शक होता है कि भाई ये महिलाएं तस्करी करने के लिए जा रही है या फिर ये महिलाएं तस्कर है, उनके खिलाफ भी जयपुर एयरपोर्ट पर जयपुर पुलिस काफी मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी दे रही है। जी मोहम्मद, वो तमाम लोग जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हैं, ये महिलाएं, ये लड़कियां हैं, ये जिनकी कैद में थी, जो इनको दुबई भेज रहे थे काम का झांसा लेकर, वो लोग कौन हैं, कितने लोग थे, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी, कितना बड़ा गैंग है? फिलहाल देखिए जिस तरह से राजधानी जयपुर के जयपुर एयरपोर्ट पर ये दूसरी बार इतना बड़ा लेवल का मामला सामने आया, तो फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह की जो छानबीन करने के लिए लगी हुई है। फिलहाल 5 से 7 लोग इस पूरे मामले में संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जिनके जो निशानदेही पर, जो महिलाओं ने निशानदेही बताई है, उन महिलाओं की निशानदेही पर लगातार जो है पुलिस के अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। पूरे मामले को लेकर जल्द जयपुर पुलिस की तरफ से पूरा खुलासा किया जा सकता है। फिलहाल जो है किसी तरह से पुलिस विभाग के अधिकारी जो संदिग्ध है उनके नाम बताने से बच रहे हैं, कहां कहां छापेमारी हो रही है उनको बताने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ मीडिया के अंदर आता है तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले को तहकीकात कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल ये है कि 12 महिलाओं की अगर जिंदगी एक बार फिर पुलिस ने बचा ली है। जी चलिए ठीक है मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। तो इन 12 लड़कियों को डिटेन कर लिया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए, इन लड़कियों को दुबई भेजा जा रहा था काम का झांसा देकर, नेपाल दूतावास की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है।